बिहार विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जन सुराज के सूत्रधार और स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने बुधवार को तरारी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद का आयोजन किया और इस दौरान छठ पूजा के महापर्व के बावजूद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग प्रशांत किशोर को सुनने पहुंचे। प्रशांत किशोर ने इस जनसंवाद में आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उनके स्थानीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। जनसंवाद के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए राजद पर तीखी वार किया है और उन्होंने कहा है कि राजद के पास डेटा भी है। राजद कब से डेटा वाली पार्टी बन गई है, वो तो लालटेन वाली पार्टी है। इनके पास डेटा कहां से आ गया? ये सब पढ़ाई लिखाई डेटा क्या होता है और इसे कैसे स्टोर किया जाता है, ये राजद को कैसे पता होगा? राजद का काम तो लालटेन का और दंगा फसाद और अपहरण में हो रहा है, इनका पढ़ाई लिखाई और डेटा से क्या लेना देना? भाई अगर तुम इतने ही बड़े बाहुबली हो तो पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो? वोट के दिन दिखा लेना, अभी पता देख लेंगे कि क्या है। अरे भाई भाजपा का तो इस बार चेहरा सही में एकदम बेनकाब हो गया। चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाइयों को जिन और परिवारवाद की बात करने वाले भाजपाइयों ने किसको टिकट दिया है, उस आदमी का चरित्र क्या है, उस व्यक्ति की पहचान क्या है, वो व्यक्ति कौन है, ये आपसे बेहतर हम थोड़ी नहीं जानते हैं। यहाँ तरारी की जनता जानती है कि परिवारवाद की बात कर रहे हो और किसको टिकट दिए हो। तुम अच्छे स्वच्छ चाल चरित्र की बात कर रहे हो और किसको टिकट दिए हो। जब तुम बालू माफिया के लड़कों को टिकट दोगे तो उससे क्या संदेश दे रहे हो? तो भाजपाइयों का बोलना कुछ करना कुछ और, वही बात है। आरजेडी के पास डेटा भी है, आरजेडी डेटा वाला पार्टी का भी लालटेन वाला पार्टी है। इन सबके पास डेटा पता कहाँ से आ गया? ये सब का पढ़ने पढ़ाने डेटा ये सब कहाँ? डेटा क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये आरजेडी को आरजेडी का काम है। लालटेन दंगा फसाद अपहरण, ये लोग पढ़ाई लिखाई डेटा फेटा से लोगों को क्या लेना देना है?